एक हमने फोर्स लगा दिया, और सपोज करो ये जो फोर्स है 37 डिग्री के एंगल पे लगा है, ओके 4 मीटर पर सेकंड वर्क डन, 37 डिग्री के एंगल पे लगा है, ठीक है। तो बेसिकली ये फोर्स करेगा क्या, ऐसे फोर्स लगा हुआ है और ये फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, मोशन की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन होगा, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। हम इसका कुछ मास ले लेते हैं, मान लो इसका जो मास है, अभी मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा तो डोंट कमेंट इट, मैं इसको ऐसे क्विट कर देता हूँ। तो यहां से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्चुअली में ये फोर्स करेगा क्या, या पॉजिटिव वर्क डन या नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब हुआ। ये जो फोर्स लगेगा ये इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा और इस ब्लॉक की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, इस ब्लॉक की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। सपोज करो इस ब्लॉक का जो मास है वो समथिंग 5 kg है, तो हमें पक्का पता है कि इस फोर्स, ये फोर्स वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। ये तो हमें फोर्स के कंसेप्ट से पता है कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करेंगे, ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी अगर हम इसको कैलकुलेट करें। और सपोज कोई डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं, मान लो समथिंग लाइक 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, सम 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, या इसको 10 मीटर ना लेके थोड़ा सा कम लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, चलो 1 मीटर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक यहां पर आगे बढ़ जाएगा, 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर हम फोर्स के कंसेप्ट से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, वर्टिकल कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर लेगा, और फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, अभी हम वर्क कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा 5 cos 37, cos 37 कितना होता है, मैंने डेटा बहुत सिंपल लिए, 4/5, तो आई थिंक 4 न्यूटन होगा फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ठीक है, 4 न्यूटन होगा। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स डिवाइड, क्योंकि फॉरवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, वर्टिकली ये मूव नहीं करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट करोगे तो 3 न्यूटन आएगा, इसका वेट 5 kg है, तो वर्टिकली तो मूव नहीं करेगा, है ना, वर्टिकली वेट 50 न्यूटन है और ऊपर का जो कंपोनेंट है वो 3 न्यूटन है। तो इसका जो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी समथिंग 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5 m/s². और यहां पर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी वेलोसिटी v² = u² + 2s आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हमने कितना लिया, समथिंग 4/5, और डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16, समथिंग 8/5, 8/5, तो ये v² = v की वैल्यू 16 + 8/5, इसकी कैलकुलेशन कर लो तो समथिंग 5, और 88, हाँ,
समथिंग लाइक 88 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 88 बाय 5 इस तरह से आ जाएगा, 88 आएगा ना. यस सर. ओके, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आई, इसका मतलब एग्जैक्टली 88 बाय 5 को अगर कैलकुलेटर से करोगे, नॉट आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन, फिर भी देख लो, 88 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज, एंड इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये 4 से कुछ ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, 4.19 आ रही है ना, 4.19 मीटर पर सेकेंड, 4.2 अप्रॉक्सीमेटली. हाँ, तो ये 4. यानी वेलोसिटी की वैल्यू 4.2 मीटर पर सेकेंड आएगी. तो एक्चुअली मैं यहाँ पर, मुझे ये एसलेशन वगैरह निकाल के ऐसा कुछ नहीं समझा था, यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव वर्क डन करता क्या है ना. यहाँ पे तो हमने फोर्स कंसेप्ट लगाया, अब देखो अगर हम वर्क डन के कंसेप्ट से सोचें तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालोगे जो कि 4 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 4 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा 4 जूल. ठीक है, 4 जूल वर्क डन हो जाएगा. तो ये 4 जूल वर्क डन करता क्या है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है. वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर फॉर्मूला लगाओगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, चाहे तो ऐसे देख लो कंपोनेंट पॉजिटिव है, या जनरल फॉर्मूले से देख लो, एफ डी कॉस थीटा होता है, तो जनरल फॉर्मूले से भी वर्क डन निकाल सकते हैं. अगर तुम्हें कंपोनेंट वगैरह नहीं करना है तो जनरल फॉर्मूले से निकाल लो, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, है ना, तो उससे भी निकाल सकते हो. तो फोर्स कितना है 5 न्यूटन, है ना. अब यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लेना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, और कॉस थीटा कितना है, कॉस 37 4 बाई 5, तो ये 4/5 हो जाएगा. तो दिस इज 5 × 4/5 एंड दैट इज इक्वल टू 4 जूल. मतलब यहां पर जो वर्क डन हुआ ये पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन है. और पॉजिटिव वर्क डन क्या कर रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो यहां पर एक पॉइंट मिल गया कि जो पॉजिटिव वर्क डन होता है, पॉजिटिव वर्क डन इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, और जितना वर्क डन होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, है ना. तो ये जो वर्क डन बाय फोर्स है ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए. तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करती है, तो उसको चेक कर लेते हैं. बी स्क्वायर तो हमें मिल गया है, बी स्क्वायर, आई होप हमने बी स्क्वायर सही निकाला है, तो बी स्क्वायर हमें मिल चुका है. हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज करती है. तो एक्चुअली में जितना वर्क डन होता है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो एक रिलेशन तुम समझ पाओगे. तो लेट्स फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, एम बाई टू, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन तो सभी को पता है, ठीक है, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम, है ना, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ एम, सॉरी, दैट इज हाफ मास, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मास इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमने एकदम अलग तरीके से निकाली है, तो ये m बाई टू लिखते हैं, और v फाइनल का स्क्वायर कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी तो ये वाली होगी, तो दैट विल बी 88/5, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. ठीक है, यहाँ पर मास की वैल्यू पुट कर देते हैं, m की वैल्यू कितना है, 88/5 का स्क्वायर भी करेंगे ना, नहीं वो स्क्वायर है, v फाइनल का स्क्वायर ही 88/5 है, ध्यान से देखो, इसका अब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, समझ आया ना, ये तो स्क्वायर ही लिखा है भाई, देखो तो ध्यान से,
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटा दो जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/2 स्क्वायर का स्क्वायर क्यों करेंगे, तो यहाँ पर 5 आएगा और 88 माइनस 80 तो ये तुम्हारा कितना आ गया 4 क्या पता लगा, जितना वर्क डन होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इस प्रेजेंटेशन से ये बात क्लियर हो गई होगी कि जितना पॉजिटिव वर्क डन होता है, जो पॉजिटिव वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो अगर कहीं भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव वर्क डन काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वर्क डन का मीनिंग होगा।